नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने Gmail ID का यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आके अपना Gmail अकाउंट खोलते हैं। मैं Gmail ऐप ओपन कर रहा हूँ। चलिए, मेरा Gmail ऐप है, Gmail ऐप मैं ओपन कर लिया। ये मेरा ओपन होने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखो लास्ट 3 डॉट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करो। क्लिक करके स्क्रॉल करके आपको नीचे आना। नीचे में आपको सेटिंग दिख रही है, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे टैप करने के बाद आपके अकाउंट में जितने ईमेल आईडी कनेक्टेड है वो सारा दिख जाएगा। आपको जिस ईमेल आईडी का चेंज करना है उस पर क्लिक करो। ईमेल आईडी क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज आ जाएगी। यहाँ पे देखो ऊपर में मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको आएगा। थोड़ा लोड होने में हो सकता है 1-2 सेकंड का टाइम ले। देखो अब जैसे ये मेरा लोड हो चुका है। यहाँ पे अभी जी भोजपुरी नाम है। यहाँ पे देखो ऊपर में सारा इन्फॉर्मेशन है। मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फो पे क्लिक करोगे तो थोड़े से नीचे स्क्रॉल करने पे के आपको दिखेगा नेम। नेम पे आप क्लिक करो। जब आप नेम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एडिट या पेंसिल का ऑप्शन दिखता है नेम के सामने, उस पर आप क्लिक करो। यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी जी भोजपुरी है तो जी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, भोजपुरी को हम भोजपुरिया कर देते हैं। तो जैसे भोजपुरिया कर दिया, अब इसे सेव कर दो। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यदि आपको निक नेम चेंज करना है या ऐड करना है तो निक नेम के सामने जो बटन है उसको क्लिक कर दो। तो मैंने निक नेम भी जी भोजपुरी ले लिया, सेव कर दिया। अब आप एक और ऑप्शन है डिस्प्ले नेम का, आप क्या नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो चलो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखो अभी जी भोजपुरी डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद जी भोजपुरी बिना स्पेस का दिखा रहा है, या जी भोजपुरी या कॉमा में जी भोजपुरी दिखाएगा। मैंने उसको सेलेक्ट करके सेव कर लिया।